आर एन अपान वन माइनस एन, इसको सिद्ध करेंगे। तो चलिए दोस्तों सिद्ध करते हैं। इसके लिए क्या करते हैं, ई बराबर दोस्तों ई, वी नो दैट, हमारा सिद्ध क्या करना है, ये करना है वी नो दैट ये हम दोस्तों ई बराबर हमारा होता है वी एप अनान एस होता है, ये तो हम जानते हैं। और दोस्तों हम ये भी जानते हैं वी बराबर VV+VS, यह जानते हैं। इसको समीकरण हम एक मान लेते हैं और VS बराबर हमारा V-VV हो जाएगा। कैसे हो जाएगा इसको समझते हैं। अभी जब हमने आपको दिखाया था कि V बराबर VV+VS होगा, तो उसी प्रकार हमने यहां लिखा है V बराबर VV+VS, और यहां हम S को हटाएंगे, किसको हटाएंगे, VS को हटाएंगे। तो VS बराबर V-VV लिख दिए हैं, इसको समीकरण हम A मान लेते हैं। अब क्या करते हैं, VS के स्थान पर हम लिखेंगे समीकरण एक का मान रखने पर। चलिए दोस्तों हम मान रखते हैं। तो ये हमारा E है, समीकरण A है, और उसमें हमने VV लिख दिया। VS के स्थान पे क्या लिखेंगे, V-VS लिखेंगे। अब दोस्तों क्या करते हैं, अंश व हर में लिखते हैं, अंश व हर में, अंश व हर में वी से भाग देने पर, भाग देने पर तो ई बराबर वी अपान वी लिख दिया, और फिर वी माइनस वी एस अपान वी लिख दिया। दोस्तों हमने यहां लिखा था समीकरण एक में समीकरण एक का मान रखने पर, तो ई हमारा समीकरण था VV VS के स्थान पे हमने V-VV लिखे थे, यह हमने गलती लिख दिया था, VV लिख दिए हैं। अब क्या करते हैं, अंश व हर में V से भाग देने पर, तो ई बराबर हमने VV अपान V लिख दिया, और इसी प्रकार जब इसमें अंश में भी VV-VVS दे दिया है। अब क्या दोस्तों हम जानते हैं फार्मूला क्या जानते हैं, एन बराबर VV अपान V होता है, तो हम VV अपान V जहां दिखेगा उसके स्थान पर n लिख सकते हैं। तो E बराबर n और VV कट जाएगा, 1-VV-V यहां n लिख देंगे। तो ये था दोस्तों हमारा सिद्ध करना था, दूसरा सिद्ध करना था E बराबर n अपान 1-N। इसके लिए हमने क्या किया, पहले लिखा E बराबर VV अपान VS, मतलब वाइड रेशियो बराबर वॉल्यूम ऑफ वाइड अपान वॉल्यूम ऑफ सॉलिड के अनुपात को वाइड रेशियो कहते हैं। फिर V बराबर हमने ये दिखाया कि VV+VS होता है, कैसे होता है इसको हमने थ्री फेज डायग्राम से आप समझाया है। फिर क्या करें, हमने VS इसको हटाया है समीकरण एक में समीकरण एक का मान रखने पर, तो हमारा E बराबर हो जाएगा VV, और VS हटाएंगे इसके स्थान पे V-VV लिखेंगे, अंश व हर में V से भाग दिए हैं, तो ये हमारा VV अपान V और V-1V ये आ गया हमारा E बराबर N अपान 1-N। उम्मीद करते हैं।